आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल फ्राई। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। मैं हूँ वंदना। तो चलिए आज चलते हैं एक और नई रेसिपी की तरफ। तो चना दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी चने की दाल ली थी, जिसको कि मैंने पानी में सोक कर दिया है। ये मैंने 30 मिनट हो गए हैं इसको पानी में सोक किए हुए, और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। और चलिए अब हम इस दाल को बॉईल करेंगे। दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है, और अब मैं इसमें ये दाल डाल रही हूँ सारी। ये मैंने इसमें दाल डाल दी है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 ग्लास पानी के, एक और दो। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें इसमें, नहीं तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो सारा पानी बाहर निकलेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, जिसको कि मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, और ये थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, दालचीनी डाल दी है मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखी मिर्ची, सूखी हुई लाल मिर्ची। और अब हम इसको बंद करके बॉईल कर लेंगे। मैंने इस कुकर को गैस पर रख दिया है, गैस चालू कर दिया है, और गैस को मैंने फुल फ्लेम पर रखा है। और फुल फ्लेम पर रखकर हम कुकर को 2 सीटी आने तक ऐसे ही रखेंगे, और 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो ये दाल हमारी हो चुकी है, कुकर ठंडा हो गया था, मैंने इसे गैस से उतार लिया है। चलिए खोल कर देख लेते हैं। दाल बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें एक जो हमने बड़ी इलायची डाली थी और जो दालचीनी डाली थी, वो हम इसमें से निकाल देंगे। इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है, और अब हम इन दोनों चीज़ों को इसमें से निकाल देंगे। और चलिए अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल के डाल लिए हैं। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जीरा। जीरे के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटे हुए प्याज, 2 प्याज थे जिनको कि मैंने बारीक काट लिया था। और अब हम इन प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो ये प्याज जो है वो हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं ये मैंने 2 टमाटर काट लिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाला है, तो आप नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और मसाला भी जो है वो अच्छे से
पक गया है। तो चलिए अब हम इसमें दाल ऐड करते हैं। अब मैं इसमें ये दाल ऐड कर रही हूँ। ये दाल देखिए अभी खड़ी खड़ी है एक बार, तो अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसको ढककर अच्छे से पका लेंगे ताकि जो सारे मसाले के फ्लेवर हैं वो दाल में आ जाएं। तो अभी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए दाल जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने बारीक काट लिया है धनिया को। और अब हम इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये ढाबा स्टाइल जो चने की दाल फ्राई है वो एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम गैस को कर देंगे बंद और इस दाल को कर लेंगे सर्व। और सर्व करने से पहले हम इसे एक लगाएंगे एक छोटा सा तड़का। तो चलिए अब हम वो तड़का भी तैयार कर लेते हैं और इसे साथ ही सर्व कर लेते हैं। चलिए पहले हम दाल को सर्व कर लेते हैं। तो ये दाल हमने सर्व कर ली है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का डालेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा पैन रख लिया है, तड़का पैन, जिसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च, जो ये लाल मिर्ची है, ये तीखी कम होती है, ये कलर के लिए है, तड़के के लिए है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद। और ये जो तड़का हमने अभी बनाया है वो हम डाल लेंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। और ये हमारी चना दाल तड़का फ्राई जो है वो एकदम रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। और आप बनाएंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये दाल। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।